रांची टेलर स्टाइल 2.0 में स्वागत है आप लोग का। तो आज हम लोग सीखेंगे प्लाजो पैंट में इलास्टिक लगा ऑल ओवर इलास्टिक लगाने का तरीका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए पहले ये उल्टा है तो इसको हम इधर कर लेते हैं और इसको हम लोग सीधा कर देते हैं। ये हम लोग का सीधा हो गया। तो सीधा की ओर से लगाइएगा इलास्टिक कभी भी तो आपको जो है ना आसान पड़ेगा। तो चलिए पहले इसका हम लोग इलास्टिक का कमर नाप लेते हैं कितना है। तो हम लोग का कमर है इसका 34 इंच। तो 34 इंच में ना इसे आपको 4 इंच घटा देना है तो आपको 30 इंच का इलास्टिक लगाना है। तो 30 इंच पे हम लोग कट कर लेंगे हाफ इंच। देखिए आपका हाफ इंच इस तरह है जो आपका इलास्टिक मतलब एक दूसरे पे चढ़ेगा। तो इसको पहले हम लोग ऐसे करके देखिए इसको हम लोग अच्छा से जड़ लिए हैं सिलाई को। अब इसको तो जड़ लिए हैं तो अब इसको रख देना है। अब देखिए अब अंदर की ओर ये है उल्टा की ओर। तो हम लोग की मार्जिंग देखिए 2 इंची मार्जिंग है, 2 इंच हम लोग का मार्जिंग है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे इलास्टिक नाप लेंगे पहले। तो इलास्टिक हम लोग का 1.25 इंच का है तो हम लोग इलास्टिक से 2 सूत या 1 सूत ज़्यादा रखिएगा उसके बाद हम लोग सिलाई मार देंगे इसमें। तो एक चाप का हम लोग सिलाई मारेंगे पूरा कच्चा ऑल ओवर में। तो देखिए एक जगह पूरा सिलाई मार लिया ऑल ओवर में। हम लोग अंदर की ओर रखेंगे और लास्टिक पर सिलाई नहीं मारना है आपको। ये एक बात की याद रखिएगा लास्टिक पर नहीं मारना है, लास्टिक से 1 सूत नीचे मारना है सिलाई। सुई को देखिए ध्यान रखिएगा सुई नीचे रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग को इलास्टिक को इधर से हल्का हल्का टानते जाना है। जब भी टाना है सुई को अंदर रखिएगा उससे आपका बैलेंस जो है ना गड़बड़ाएगा नहीं। इधर से हम लोग इलास्टिक हल्का हल्का टानते रहना है क्योंकि इधर आपका छोटा पड़ रहा है। इसको देखिए आराम से लगाना है आपको, बका के नहीं लगाना है। अब देखिए हम लोग का प्लाजो में पैकेट वाला ये पैकेट है तो इसको पैकेट का फुचड़ा भी अंदर कर देना है। तो पैकेट का मार्जिन हम अंदर कर दिए हैं। इलास्टिक को इधर से टानना है, आराम आराम से टानिएगा। देखिए इधर भी इधर टाने इधर छोटा होगा तो आपको इधर से टानते रहना है। देखिए धागा काट लेना आपको यहाँ।
इस इलास्टिक ऑल ओवर लगाइएगा तो अजीब दिखेगा, तो इसको टान के हम लोग को मेकअप करना है पूरा ऑल ओवर में, गोले गोले ऑल ओवर में इसको मेकअप कर लीजिएगा टान कैसे से, इक्वल सब जगह कर लीजिएगा। देखिए इक्वल हो गया आपका। अब इसको हम लोग सिलाई मारेंगे टान के एकदम। पहले इसको सुई को अंदर कर लीजिएगा, उसके बाद देखिए इसको इधर से भी टानना है इधर से भी टानना, मतलब इसी में आपको ऐसे ही दोनों हाथ टानते जाइएगा फ्रेंड, इससे आपको अच्छा बनेगा। सुई को अंदर रखना है ना, जब भी आपको टानना होगा सुई को अंदर रखिएगा। देखिए पूरा इक्वल दिख रहा है, इधर भी देख लीजिए आप, ये फ्रंट भी देख लीजिए और बैक भी देख लीजिए, पूरा इक्वल दिख रहा है। जैसे आपको हम लास्टिक लगाने का तरीका बताएं, वो ऑल ओवर इसमें सब चीज़ में लगा सकते हैं, चूड़ीदार में लगा सकते हैं, प्लाजो पैंट में लगा सकते हैं, प्लाजो में लगा सकते हैं, ये पनेरो पैंट में भी लगा सकते हैं, ऑल ओवर लास्टिक जिसमें रहेगा ऐसे ही सब में लगाइएगा तो आपको फिनिशिंग अच्छा से लगेगा। अगर मेरा वीडियो से थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, कुछ भी अगर दिक्कत होगा तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।